राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आज अपने एक दिवसीय दौरे पर बोकारो पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र के उसरडी में एक MJM मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन किया, जहां MJM मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल के निर्देशक इनवल अंसारी ने बताया कि यह तीसरा यूनिट है। इससे पहले इस गांव में हम लोगों ने शिक्षा का अलग जगाने का काम किया था और इस बार हम लोगों ने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया है। सुदूर गांव में हमारा अस्पताल खोलने का तात्पर्य है कि गांव के लोगों को अच्छा इलाज मिल सके, साथ ही अब ग्रामीणों को दूर नहीं जाने पड़ेगा। एक ही छत के नीचे तमाम सुविधाओं के साथ साथ अच्छे डॉक्टर भी हमारे अस्पताल में मिलेंगे और हमारा लक्ष्य है हर लोगों की सेवा करना, वह अमीर हो या गरीब। अभी हमने 50 बेड से शुरुआत की है, आने वाले दिनों में इसे हम लोग को मिलकर 200 बेड करना है। गांव के लोगों को आयुष्मान कार्ड से इलाज कराया जा सके, वेदांत के मजदूरों को ESE सुविधा देनी है। मीडिया से बात करते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने असम के मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि असम के लोग बाढ़ से डूबे हुए हैं, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और मुख्यमंत्री यहाँ घूम रहे हैं, पहले उन्हें अपनी जनता को देखना चाहिए। मैंने कहा कि जब मंजिल पास थी तो पैर फिसल गया और अब जब मंजिल दूर है तो तौबा मचा रहे हैं। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि एक आदिवासी को बिना वजह जेल भेज दिया गया, यही कारण है कि 5 STC BJP हार गई। भाजपा जो नैरेटिव सेट करना चाहती है वह झारखंड में चलने वाला नहीं है। अरे उनको तो पहले वहाँ असम डूबा हुआ है, वहाँ ना उनको पहले बचाव करना चाहिए, यहाँ आके कौन चीज कर रहे हैं? प्रभार में है। अरे प्रभार में मिला तो असम के लोग त्राही माम कर रहे हैं, वहाँ बाढ़ आई हुई है, बाढ़ की भीषण जो है बाढ़ है, वहाँ जाना चाहिए उनको, वहाँ छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कोई फर्क उर्क पड़ने को नहीं है। अभी जो है जब मंजिल करीब थी तो पाँव फिसल गया, अब जब मंजिल दूर है तो हाय तौबा कर रहे हैं। जब जो है दिशम गुरु शिबू सोरेन के बेटा को, एक युवा नेता को, एक मुख्यमंत्री को, एक आदिवासी के बेटे को अकारण जो है 8.5 कट्ठा एक ऐसी 8.5 एकड़ ऐसी जमीन जिसका न उसके पास मालिकाना हक है न उसका नाम दर्ज है, उस पर जो है जेल भेज दिया गया, तो उसी का नतीजा है कि 5-5 लोकसभा सीट इनके हाथ से चली गई। टिप सेट करते हैं कभी नैरेटिव में, ये कहते हैं 400 पार कहा, इनको आया 241। इसी तरीके से पहले इन्होंने कहा था 65 पार झारखंड में, तो इनको तड़ी पार कर दिया गया और 23 में लाके छोड़ दिया गया। फिर ये गए थे महाराष्ट्र में कहा था कि 150 पार, 105 में आके अटक गए। फिर ये गए थे बंगाल में कहा था कि 200 पार, इनको 73 में अटका दिया था। फिर ये गए थे मिजोरम, कहा 21 पार, 1 में अटका दिया था। तो इसलिए नैरेटिव सेट करते हैं और ये नैरेटिव को झारखंड के लोग, जो इनका पहाड़ा है, वो पहाड़ा जो ये यहाँ पढ़ाना चाहते हैं, यहाँ के लोग 2x4 ही वाला पहाड़ा जानते हैं, ये 2x8 16x32 वाला पहाड़ा हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम लोग सीधे सरल लोग हैं ना, हम पीठ में छुरा भोगते हैं ना छुरा खाना पसंद करते हैं। तो आपका जो है कि हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है, जहाँ पे माननीय मंत्री आए हुए थे, जी बताया जाए। जी, ये MJM मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये हमारे MJM ग्रुप का तीसरा यूनिट है। पहला यूनिट 92 में हम MJM पब्लिक स्कूल का उद्घाटन किए थे, जो अभी सफल संचालन के साथ CBSE एफिलेटेड के साथ वो हमारे 3 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है, वहाँ 1500 बच्चे हमारे वहाँ पढ़ते हैं। दूसरा यूनिट हमने 2006 में लगाया था, MJM इंटर कॉलेज, जो झारखंड गवर्नमेंट से एफिलेटेड है, वहाँ साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों फैकल्टी की लगभग 11-12 में 2200 बच्चे पढ़ते हैं। और ये तीसरा यूनिट सौभाग्य से जनता के सहयोग से और हमारे आदरणीय माननीय जो मंत्री जी आए हैं, चीफ गेस्ट, स्पेशल गेस्ट, सम्मानीय गेस्ट, सारे लोग आए और क्षेत्र के लोगों का बहुत सराहनीय सहयोग हमेशा रहा है और उसके सहयोग के थ्रू से हमने ये आप अपना तीसरा यूनिट जो MJM मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लगाया है। इसका मेरा खास उद्देश्य है कि हम अपने जो गाँव ग्राम के जो हमारे लोग हैं, हमारे शहर के जो लोग हैं, जो मेडिकल सेवा से वंचित रह जाते हैं, हमारे साथ प्रयास रहेगा मेरे प्रबंधन की ओर से, हमारे हॉस्पिटल की, कि सारे लोगों को एकदम निम्न स्तर के जो हमारे लोग हैं, जो हमारे जनता हैं, हमारे नागरिक हैं, उनको मैं बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा और उसको हम बाहर जाने के लिए कभी मजबूर नहीं करूंगा। सारा इलाज
जो हमारे हॉस्पिटल में हम व्यवस्था दे सकें, अथक प्रयास हमारी है। सुदूर क्षेत्र में जो आपने खोला है कि क्या लग रहा है, कितना खुशी मिल रही है गरीबों की सेवा? वो आज बहुत प्रफुल्लित है और ईश्वर का कृपा है, अल्लाह का करम है कि आज हमको इस चीज़ के लिए नवाजा कि मेरे हाथों से एक अच्छा शुभ काम का उद्घाटन सारे लोगों के सहयोग से हमने किया। मैं गदगद हूँ कि अपने शहरवासियों को, नगरवासियों को, गाँववासियों को एक बेहतर सुविधा चिकित्सा उपलब्ध कराने का सतत प्रयत्नशील रहूँगा और प्रयास करूँगा कि सारे स्ट्रीम हमारे यहाँ हॉस्पिटल में, जैसे कि आपका OPD से लेकर ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर, सारे चीज़ का व्यवस्था मैं करूँगा। आने वाला समय ये हॉस्पिटल अभी 50 बेड से हमने शुभारंभ किया है, आने वाला समय ये 200 बेड तक जाएगा। ये हमारी आशा और अभिलाषा और उम्मीद है कि साल डेढ़ साल के अंदर ये 200 बेड तक जाएगा। हर तरह की मरीजों का इलाज हमारे यहाँ MGM मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल उसड्डी बिजुलिया बोकारो में करने का प्रयास करूँगा, अच्छे डॉक्टरों के साथ बेहतर मैंने सुविधा चिकित्सा देने का। कौन कौन डॉक्टर वहाँ उपस्थित रहेंगे 24 आवर में? 24 आवर में जैसे डॉक्टर रसूल साहब हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उसका लिस्ट है। मैं सारे जैसे नीरजा दत्ता जी हैं, बहुत गायनोलॉजिस्ट, बहुत अच्छी गायनोलॉजिस्ट हैं, गायनों में अभी 3-4 हैं, अभी 16 डॉक्टर का लिस्ट है हमारे यहाँ, और सारे डॉक्टर वेटिंग लिस्ट में हैं। सारे लोगों का मैं चयन करके बेहतर सुविधा के लिए, बेहतर डॉक्टर के सारे MD लोगों का मैं प्रयास करूँगा कि जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में आए और हमारे स्वास्थ्य में अपना हाथ बटाएंगे, लोगों को योगदान देंगे, बेहतर सुविधा देने का। ग्रामीणों को कितना लाभ होगा इससे? ग्रामीणों को बहुत सारा लाभ होगा। हमारे यहाँ इलेक्ट्रो स्टील वेदांता कंपनी है, वहाँ 15,000 समथिंग लोग काम करते हैं। हम इसको ESI से जोड़ने का प्रयास करेंगे, आयुष्मान से, और जितने तरह की इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं उससे मेरा टेप होगा हॉस्पिटल का, और सारे लोगों को इंश्योरेंस के तहत मैं फैसिलिटी देने का काम करूँगा, आयुष्मान से देने का काम करूँगा और ESI से। तो हमको लगता है कि मैक्सिमम लोग कवर कर जाएंगे। क्या नाम हुआ सर? गुड नेम? मेरा नाम हुआ प्रोफेसर आयनुल अंसारी, चेयरमैन MGM ग्रुप।